हेलो फ्रेंड्स, सुषमा क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हिबिस्कस। बहुत ही प्यारा फूल है ये और हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है। ये परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर हम गार्डन में ऐड करते हैं तो ये हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है और साथ ही हमेशा इसमें फ्लावर्स भी खिलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला ये पौधा है। इसकी थोड़ी सी देख रेख की जाए तो ये प्लांट पूरा फूलों से भरा रहता है। देखिए, कितना छोटा सा ये पौधा है और इसमें इतने सारे फूल, फूलों से भरा हुआ है ये पौधा। ये बहुत छोटा प्लांटर में लगा हुआ है और उसके बाद भी देखिए इतने सारे फूल हर दिन इस पे आते हैं। छोटा सा प्लांटर है तो इसमें मिट्टी भी कम ही होगी, फिर भी इतने सारे फ्लावर्स ये रोज देता है। ढेर सारे फूलों के साथ ये रोज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स, अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स अपने गार्डन में रखना चाहिए। हिबिस्कस बहुत ही अच्छा है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। सालों फ्लावर्स इस पे आते हैं और प्लांट्स भी हमेशा बना रहता है। हर मौसम में इस पे फूल आते हैं, सर्दी गर्मी जो भी मौसम हो और बरसात, हर मौसम में फूलों से ऐसे ही भरा रहता है। और ऐसे फूलों से भरा रहने के लिए थोड़ी सी देखभाल करनी होती है। कुछ छोटे छोटे ज़रूरी टिप्स जिसे हम इस्तेमाल करके ढेर सारे फूल ले सकते हैं अपने गार्डन में। ये लगा हुआ है 6 इंच का पौधा, देखिए, और उसके बाद भी इस प्लांट पे इतने सारे फूल। इसके लिए मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड, अपने किचन वेस्ट को, जो कि फेंक देना लोग फेंक देते हैं अपने किचन में, उसी को इस्तेमाल करना है और फिर हम पाएंगे ढेर सारे फ्लावर्स। इस पे इस्तेमाल करती हूँ मैं छेने का पानी जो हम बनाते हैं उसी को इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर। वीक में 2-3 दिन भी डाल देती हूँ जब भी पानी होता है या फिर खट्टा छाछ, तो इसमें ला कर के देती हूँ। और साथ ही उसमें कुछ थोड़ा पानी ऐड करके, जैसे अगर 200 ml पानी है पनीर का तो उसमें हम 1/2 लीटर मिक्स कर देंगे सिंपल नॉर्मल पानी और फिर इस प्लांट को हम देंगे। तो ऐसे ही फूलों से भरा रहता है और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी फ्रेश होती हैं। प्लांट काफ़ी हरा भरा और हेल्दी दिखता है। ये छेने का पानी बहुत असरदार है इसके लिए। और साथ में कुछ और भी, जब भी इसमें अनियन पील्स या फिर जो भी और सब्जी काटते हैं, आलू, उसको पानी में डालते हैं तो उसको भी इस्तेमाल करती हूँ। ये प्लांट हरा भरा और इस तरीके से फूल लेने के लिए हमें अपने किचन से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये प्लांट हमेशा हरा भरा बना रहता है। और साथ में छेने का पानी हम इस पर इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे भी कर लेते हैं, इस पौधे को धो दें उससे तो मिली बग का भी अटैक नहीं होता। मिली बग पूरा ख़त्म हो जाएगा और प्लांट काफ़ी फ्रेश बना रहता है और साथ में दिखता भी काफ़ी खूबसूरत है। बहुत हेल्दी होता है प्लांट इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने से। और इसे धूप बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इसे पूरे दिन की सनलाइट मिले तो बहुत अच्छा है। धूप मिलेगा तभी इस पे फ्लावर्स आएंगे। इसे कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है, पानी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में। अभी भी इसकी कटिंग लगाएंगे तो ग्रो हो जाएगा। इसमें मैं छेने का पानी इस्तेमाल करती हूँ, ये है छेने का पानी। और दूसरा ये मैंने रखा है, ये है आलू धोने के बाद जब पानी में डालते हैं तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है, इसे फेंकना नहीं है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके ही हम अपने पौधे पर ढेर सारा फूल लेंगे इस तरीके से, और हमेशा फूलों से भरा रहेगा ये पौधा। हिबिस्कस बहुत ही खूबसूरत प्लांट है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। और रेड हिबिस्कस तो बहुत ही प्यारा दिखता है। इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,
तब तक के लिए बाय बाय।